कि आज पार्लियामेंट का इलेक्शन ये कोई उम्मीदवार शोभाताई बच्चाओं की लड़ाई नहीं है, ना ये शान हिंद की लड़ाई है, ना ये आसिफ शेख की लड़ाई है, ना ये एजाज बेग की लड़ाई है, ना ये डॉक्टर खालिद परवेज की लड़ाई है, ना ही ये मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की लड़ाई है। ये लड़ाई एक नज़रियात की है, और इसीलिए हमने एक नारा लगाया कि जुड़ेगा मालेगांव जीतेगा इंडिया। जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस में मालेगांव कांग्रेस, यहाँ से हमारी कोशिश होगी कि कांग्रेस के उम्मीदवार जो इंडिया अलायंस की भी उम्मीदवार है शोभा ताई बच्चाओ, उसे हम भरपूर हिमायत देते हैं। और मालेगांव शहरियान से भी गुजारिश करते हैं कि इस लड़ाई को वो एक नज़रिए की लड़ाई रखें और एक ऐसा रिकॉर्ड बनाए कि इससे पहले पार्लियामेंट में वोट का वो रिकॉर्ड कभी ना बना हो। ये हमारी कोशिश भी रहेंगी, क्योंकि इस शहर में इलेक्शन का माहौल हो या फील्ड पे इलेक्शन लड़ने की बात हो, वो निहाली वर्कर ही कर सकते हैं। सबसे पहले अगर इलेक्शन को सामने रखकर हमने सबसे पहले संविधान सुरक्षा यात्रा निकाली, उसके बाद दूसरी पार्टियों ने भी जलसे रखे, हाँ सावधान हो गया मगर आपका। फील्ड पे अभी तक काम नहीं हुआ। आप अब देखेंगे एक दो दिन में कि इस शहर में निहाली वर्कर फील्ड पर भी काम करेंगे। हम यादी के लिए अभी 4 हिस्से मालेगांव शहर में बनाए हैं, आगरा रोड का शुमाली हिस्सा, नयापुरे का, इस्लामाबाद रविवार वार्ड और गुरुवार वार्ड का सैलानी चौक। इन हिस्सों में हम यादी पर काम काज शुरू करेंगे, और हमारी कोशिश यही है कि इस मरतबा मालेगांव शहर का अपना दबदबा बना रहे, और मालेगांव शहर जिस तरह से वोट करता है उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आए, ऐसी हमारी कोशिश इस इलेक्शन में रहने वाली है। हमने पीछे भी कई इलेक्शन लड़े, मगर मालेगांव खालिद शहर साहब भी को जो इस कहते लाइन हैं पर काम कर रहे हैं कि आज ये लड़ाई में बढ़तरी बताने का मौका कहते हैं नहीं है। हाँ शोभा ताई बच्चाओं को मालेगांव शहर, मालेगांव आउटर जहां हम काम कर सकते हैं, इन सब हिस्सों से भरपूर वोट मिले और वो अक्सरियत से कामयाब हो, बड़ी अक्सरियत से कामयाब हो, हमारी ये कोशिश रहने वाली है। यादी इसी के भी मुताबिक हाल्ट मालेगांव में है। बहुत हाँ, मैं तो ये बात माना, लेकिन इस मर्तबा इलेक्शन का कहीं ना कहीं माहौल अलग है। जो हिंदुस्तान भर से खबरें आ रही है और जो हमने भी आसपास के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनसे कहीं ना कहीं नाराजगी है। आज मजहबी जो जुनून था, मैं ये तो नहीं कहता वो खत्म हो गया, मगर बहरहाल 2014 और 2019 वाला जुनून इस मर्तबा नहीं है, तो कहीं ना कहीं मौका है। हमारा काम जो है हमको वो ईमानदारी से करना है, वो हम करेंगे, और बाकी का उम्मीदवार जो है कांग्रेस पार्टी की वो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। कल उनके शिशिर कोतवाल जो एमएलए हैं और उनके सहवर डॉक्टर बच्चाओ और कुछ लोग ऑफिस पर आकर हमारे जिम्मेदारों से मुलाकात किए, और उन्होंने जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी की जो रिपोर्ट बताई कि यार हम ये कोशिश कर रहे हैं, अगर उस तरह की उनकी कोशिश है तो रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छा आएगा। इलेक्शनी यादी में बहुत ज्यादा शिकायत है, क्या मंसूबाबंदी आपके पास? इलेक्शनी यादी में हमेशा शिकायत रहती। सबसे पहले तो बीएलओ जो है वो हमेशा कभी यादी या स्लिप नहीं बांट सकता। कल हमने सबसे पहली बात यही बोले कि उम्मीदवार फोटो वाली या स्लिप जो है वो हमको दे और यादी दे, हम उस पर काम चालू करेंगे। मैं इसीलिए मेरे बोलने में ये बात बोला कि 4 प्रभाग हमने मालेगांव शहर में किए हैं, जो सेंटर होंगे, बाकी छोटे छोटे हिस्से महल्ले के बनेंगे, मगर अभी 4 सेंटर के हिस्से से हम यादी पर काम काज शुरू करेंगे। बहुत समझदार है और ख़ास तौर से सियासत में, तो मुझे नहीं लगता कि मालेगांव शहरियान को कुछ भी बताने की ज़रूरत है। कुछ बातें ऐसी होती है कि वो बताना ही फजूल है। ऐसा लगता नहीं कि वोट कटो है? मैं एक बात क्या बोला कि इससे पहले भी मालेगांव शहर में पार्टी के नाम से उम्मीदवार खड़े हुए, उनका रिजल्ट क्या आया ये भी शहर के सामने है। और मालेगांव शहर सियासी तौर पे बहुत बेदार और समझदार शहर है, सबको समझता है कि कौन क्यों खड़ा है, कैसे खड़ा है, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। वक्त कम है, ना हम ताखिर से आए, सबसे पहले इस शहर में अगर ताखिर किसी से हो रही थी तो वो उम्मीदवार की तरफ से हो रही थी। हम सबसे पहले संविधान सुरक्षा रैली निकाले ताकि इलेक्शनी माहौल बने, एक मैसेज जाए।
बाकी सब काम तो हम कर रहे हैं, ताखिर का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ विकास की भी कोई बात होगी? हाँ, वो शाहनहीन जो समाजवादी की सदर है, उन्होंने उनसे कुछ बातचीत की है मालेगांव के डेवलपमेंट के ताल्लुक से, वो अपनी बात बोलेंगे। आने वाला इलेक्शन नहीं है, 2014 के बाद से जो हिंदुस्तान के हालात हुए, और ये बात जो बोली जा रही है कि संविधान खतरे में है, हिंदुस्तान की सालमियत खतरे में है, तो ये इलेक्शन जो है वो इक्तदार पाने वाला इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन जो है ये सिक्योरिटी और सर्वाइव वाला इलेक्शन, अकलियत को बचाने वाला इलेक्शन है कि वो अपने आप को महफूज रखे। इसलिए इस इलेक्शन में हम ज़्यादा ये मांग रखेंगे कि हम अकलियत से कोई उम्मीदवार होना चाहिए था, या कुछ ऐसा हमारे शहर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद उम्मीदवार रहे, ऐसी उम्मीद माजी में भी नहीं की गई थी किसी और पार्टी से, ना मुझे लगता है कि अभी इस इलेक्शन में की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो हालात हैं, अकलियत पे जो दबाव है, इसके साथ साथ हम लोगों ने मालेगांव शहर के लिए उनसे कुछ बातें की थी जिन पर उन्होंने हामी भरी उम्मीदवार ने। सबसे पहले ये कि मालेगांव शहर जो है वो सनद से जुड़ा हुआ, सनद पारचा बापी से जुड़ा हुआ है, यहाँ की सनद पावर लूम सबसे बड़ी सनद है जहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा है और इसकी नुमाइंदगी